अंबेडकर नगर जिले में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवलाल सिंह यादव आज अंबेडकर नगर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव ने जिलाधिकारी अविनाश सिंह से मुलाकात करके निष्पक्ष उपचुनाव की मांग की। शिवपाल सिंह ने प्रशासन के कुछ लोगों और थानेदारों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। जिलाधिकारी ने शिवपाल सिंह यादव को निष्पक्ष उपचुनाव का आश्वासन दिया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ भी मौजूद रहे। शिवपाल के साथ सपा का एक प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें सपा के अकबरपुर विधायक राम अचल राजभर, आलापुर विधायक त्रिभुवन दत्त, टांडा विधायक राम मूर्ति वर्मा, बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे, जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव, सपा नेता धर्मेंद्र यादव, सपा नेता महेंद्र प्रताप यादव, सपा नेता डॉक्टर एमपी यादव के अलावा अन्य कई बड़े सपा नेता मौजूद रहे। देखिए, अभी तक चुनाव तो आपको बताइए 13 को था, अब हो गया है 20 नवंबर। तो हम लोग इसलिए आए थे, अभी तक शिकायतें थी जिला पंचायत अधिकारी से लेकर BDO से लेकर के ADO से लेकर के, ये नीचे स्तर के अधिकारियों की शिकायतें थीं। गांव-गांव जा रहे हैं और जनता को धमका रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोगों को धमका रहे हैं। और पुलिस में SO जा रहे, वो भी धमका रहे, कह रहे कि तुमने अगर समाजवादी पार्टी को वोट किया तो तुम्हारे खिलाफ़ FIR करेंगे, इतने मुकदमे लाद देंगे हमारे नेताओं से भी। तो हम ये शिकायतें करने आए थे कि निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, ये शिकायतें सब करने आए थे। और जनता का कहीं पर भी समाजवादी पार्टी के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं होना। आश्वासन क्या मिला प्रशासन की तरफ से? उन्होंने ये आश्वासन तो दिया निष्पक्ष हो करके, निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष, और इस तरीके के हम ध्यान रखेंगे। जो भी कंप्लेंट समाजवादी पार्टी के लांजी वर्मा हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, जो करेंगे कहीं पर भी अगर मिलती है शिकायत, तो वो कहीं पर भी आश्वासन तो यही दिया है कि कहीं पर भी हम अन्याय नहीं करेंगे। शिवपाल जी, DGP के लिए शासन ने कल वो किया है भाज... देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।